I never understand why can't we give due credit to our directors. This could happen in the coming future. Shahid was amazing. I loved Shahid throughout. इस फिल्म का बेस्ट पार्ट ही मैं कहूँगी म्यूजिक है. इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यूनिक है, लोगों को थोड़ा सा पसंद आ सकता है. I think I was more astounded with the storyline. जब आप थिएटर से बाहर निकलते हो तो एक ब्राइट स्माइल लेके निकलते हो आप. आजकल के जमाने की मूवी. This is not the kind of film that would do that. आपको रोबोट बहुत खूबसूरत लगेगी. यार मुझे तो बहुत पसंद आई. लोग मैंने सुना है कह रहे हैं कि लॉजिक नहीं है, ये नहीं है. मुझे बताओ मार्वल में कौन सा लॉजिक है? किसी ने देखा आयरन मैन को? किसी भी We fantasize stories which are made in Hollywood. I never understand why can't we give due credit to our directors. You know, हमें उसमें logic क्यों ढूंढना होता है? It's a concept. And उस एक शाहिद ने line बोली है कि कल का ये future है. So somewhere this movie is preempting what future might bring to you. You know that one day it might just happen. You have these real-time robots which can be made as a life partner. But what can happen if this has become a light partner? On a serious note, this film kind of gives you an eye to it. If I talk about the acting part, Kriti Sanon is the real hero of this film. Shahid abhi bhi kahin na kahin Kabir Singh ke avatar mein atke hue hain. But Kriti, every time she reinvents herself, be it Mimi, be it this one, she is bang on. She was only wasted in Adipurush Vachche, I don't understand why. But here she's bang on. Not even a single frame she's left that straight posture, her walk, shoulders back. It's very well executed. Ma'am, if I'm talking about Dimple Kapadia, Dharmendra ji, aapko kaisa laga unka kaam? See, these are veterans. So how you bring veterans to decorate, these are those people. These are the stalwarts of acting. And they understand ki chota sa bhi frame milta hai, they know how to deliver. It is very good that film industry, we've seen all of time and again, this has been done in Hollywood. You know, you have veterans coming in Hollywood for special characters. It is very good. We are also going back to our senior actors and they always deliver. They never fail to deliver. ये जवानी है दीवानी का तड़का लगा था इस फिल्म में? आपको कहीं ऐसा लगा कि कुछ तो वाइब आ रही है? मेरे को जवानी है दीवानी की तो वाइब नहीं ऑनेस्टली लगी, बट मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं शाहिद को बहुत काम करने की ज़रूरत है अपने ऊपर. वो जब भी मैट का एक्सेंट, तू पागल है, या वो यू नो, वो सारी चीज़ें अभी भी आसपास घूमती रहती हैं, यू नो. सो टाइम एंड अगेन वो वापस होता है. ऑफकोर्स आपको थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं से लगेगा कि फिल्म में बोरो करा गया है, बिकॉज लाइक करण जौहर, दिनेश विजन इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग द सेम फॉर्मूला. ईच ऑफ हिज फिल्म विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्डिंग. देर आर कॉमन पीपल दैट विल बी देयर. आम हमारी आजकल की लाइफ से वो एक स्लाइस ऑफ लाइफ को लाते हैं और उसे ट्वीक कर देते हैं. दैट इज़ हिज फॉर्मूला विच इज़ वर्किंग वेल. आई थिंक दैट इज़ नॉट बैड. यू नो, इंडियन सिनेमा हैज़ ऑलवेज डन इट एंड इट्स अनदर स्टोरी, सो इट्स नाइस. मैसेज की बात करते हैं, फिर मैसेज क्या दे रही है आजकल के यूथ को? मैं मैसेज को लेके थोड़ी कंफ्यूज हूँ, बिकॉज मेरे को जब वो सब जला एंड द वे शाहिद कम्स एंड हिट देयर, आई थॉट द मैसेज वॉज क्लियर दैट यू नो इट्स लाइक अ लिटिल किड हु वांट्स एआई, वांट्स टू प्ले विद एआई. एआई माइट बी गुड, बट वॉट कैन हैपन इज दैट यू नो इट कैन बर्न यू ऑल्सो. बट इन द एंड आई गॉट अगेन कन्फ्यूज व्हेन दे शोड दैट कृति सेनन इज गेटिंग जेलस एंड दिस गोइंग टू बी पार्ट टू. आई थिंक वी शुड जस्ट लुक इट एट अ स्टोरी. इट्स जस्ट अ सिंपल स्टोरी टू बी वॉच. व्हाई डू वी वांट मैसेज आउट ऑफ एवरी फिल्म? कितने स्टार देना चाहेंगे मैम? आई लाइक टू गो विद 3.5 आउट ऑफ 5. और आप बिल्कुल देखिए, इंजॉय करिए, आपको रोबोट बहुत खूबसूरत लगेगी, आपको पसंद आएगी फिल्म. और भी फिल्में रोबोट पर बन चुकी है, जैसे पहले रोबोट आई थी, ये एक अमेजिंग फिल्म लोग कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, सेटिस्फाई कर पाई है? अच्छी फिल्म है, अच्छी फिल्म है. बताइए कुछ और इसके बारे में. कृति सेनन बहुत ब्यूटीफुल लगी है एज अ रोबोट और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. आप भी फिल्म देखिए, आपको अच्छा लगेगा. अच्छी कहानी, अच्छा डायरेक्शन, अच्छी फिल्म है. धर्मेंद्र जीते, डिंपल कपाड़िया जीती, उनकी एक्टिंग की बात करूँ, इस उम्र में भी इतना अच्छा धर्मेंद्र जी ने एक्टिंग किया है, तो कुछ बताएं उनके बारे में. वो बॉर्न एक्टर हैं और धर्म जी, मैंने धर्म जी को आज तक जितनी बार भी पर्दे पर देखा है, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं. किसी भी रोल में, किसी भी फिल्म में मुझे हमेशा वो पसंद आए. मैंने उनकी जितनी फिल्म देखी है, उनका एक अलग चार्म है. और मैं वही देख रहा था कि मुझे बहुत प्यार आता है धर्म जी पे. आपने धर्म जी का नाम लिया, मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ. वो उनकी उनकी अच्छाई ना उनके कैरेक्टर में दिखाई देती है. उनसे आपको बार बार प्यार हो सकता है. एक ऐसा एक्टर, बहुत बहुत अच्छे लगते हैं वो हर रोल में. और यहाँ पर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. एक इंसान के तौर पर भी मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ और उनको देखता हूँ पर्दे पर तो मैं इमोशनल भी होता हूँ और उनको उनसे उन पर प्यार आता है. ये जवानी है दीवानी की फिल्म कहीं ना कहीं याद दिखा रही है कृति सेनन को, देख के लोगों का ये भी कहना है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कॉमेडी की बात? वो एक अलग फिल्म है, ये एक अलग फिल्म है और
दोनों फिल्में अलग हैं, ये एक रोबोट वाली फिल्म है। म्यूजिक कैसा था? बहुत अच्छा म्यूजिक है फिल्म का, जितना म्यूजिक है अच्छा फिल्म अच्छा म्यूजिक है। आप देख सकते हैं, डिसअपॉइंट नहीं होंगे आप जो दर्शक हैं, आप बिल्कुल फिल्म क्रिटिक्स को देख कर नहीं, आप अपना देखो ट्रेलर, आपको लगता है देखना है तो जाओ देखने। मैंने तो बहुत इंजॉय किया है और मैं सच में सच्चा रिव्यू देता हूँ कि सच बोलता हूँ मैं, मुझे ये फिल्म सच में अच्छी लगी है। डायरेक्शन अच्छा लगा है, लिखा अच्छा गया है, अच्छा म्यूजिक, आप इन्जॉय करें कि एवरेज प्लस फिल्म है। मतलब एक होता है बहुत ब्रिलियंट फिल्म, एक होता है अच्छी फिल्म, एवरेज फिल्म, तो एक अच्छी एवरेज फिल्म है। स्टार देंगे सर आप इस मूवी को 5 में से? यार वैसे तो स्टार मत पूछो, फिर भी 2.5-3 आराम से दिया जा सकता है। कैसी लगी फिल्म बताओ, कैसी लगी? अच्छी लगी, शायद वाज अमेजिंग, आई लव शाहिद थ्रू आउट, या हिज एक्टिंग, शाहिद एक्टिंग वाज लाइक 5 on 5। और मैं कृति सेनन की बात करूँ तो वो किस हद तक अदा करती है? वेरी प्रिटी, सपोर्टिव एक्ट्रेस जो थे जैसे डिंपल कपाड़िया, उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की, तो आपको क्या लगता है कि सेटिस्फाई? इतना यस यस, कूल कूल, यस, थैंक यू। आजकल के यूथ को देखना चाहिए? हाँ देखना चाहिए, 5 on 5। इट्स रियली गुड, वन ऑफ द फनीस्ट रोम कॉम्स, इट हैज सॉन्ग, गुड म्यूजिक, गुड ह्यूमर, गुड परफॉर्मेंस, स्पेशली द क्लाइमैक्स, द लास्ट फ्यू रील्स आर रियली। इस फिल्म के बारे में कुछ बताएं, जैसे स्टोरी लाइन, डायरेक्शन कैसा था, म्यूजिक कैसा था? म्यूजिक वॉज रियली कैची, हर एक सॉन्ग अच्छा है। स्टोरी लाइन ऑफकोर्स फर्स्ट हाफ इज इमेंसली एंगेजिंग, सेकंड हाफ में कहीं की थोड़ी सी एक दो जगह ड्रैग होती है, लेकिन अगेंस्ट टूवर्ड्स द क्लाइमेट इट पिक्स अप द पेस। तो जब आप थिएटर से बाहर निकलते हो तो एक ब्राइट स्माइल लेके निकलते हो आपके फेस पे, सो इट्स रियली गुड। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इतनी खास पकड़ नहीं बॉक्स ऑफिस पर मचा पाएगी ये फिल्म, आपको क्या लगता? बॉक्स ऑफिस देखिए अभी जिस तरह से बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, और मुझे लगता है कि अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहेगा, सो बेसिकली फिल्म की ऑडियंस एक सिटी सेंट्रिक ऑडियंस है, मासेस में शायद चलेगी नहीं चलेगी पता नहीं, बट सिटी सेंट्रिक ऑडियंस है, एक टारगेट ऑडियंस के साथ फिल्म जरूर वर्क करेगी ऐसा मुझे लगता है, वीकेंड पे वील ग्रो करने के चांसेस जरूर है। फिल्म में जो कृति ने किरदार निभाया है, क्या वो प्रॉपर रोबोट जैसे किरदार निभा पा रही थी? हाँ हाँ, स्पेशली अगर आपका मतलब क्लाइमैक्स में उन्होंने जो भी शॉट्स दिए, शी वॉज फैब, मतलब लग रहे थी, इट्स वन ऑफ आवर फाइनेस्ट परफॉर्मेंस आउट से। अगर मैं बात करूँ कि कृति और शाहिद की, तो पार्ट 2 बनेगा क्या इसका, इस मूवी का? लास्ट में जानवी कपूर भी देखी गई है। हाँ बन सकता है जरूर, एक उन्होंने हिंट तो दिए, अगर इस फिल्म का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो जरूर बन सकता है। कितने पॉइंट देना चाहेंगे आप? आई वुड गो विथ 3.5। कैसी लगी आपको ये फिल्म, कितना कुछ सीखने के लिए मिला, क्या कुछ था इस फिल्म के अंदर, कुछ बताएं? ये सीखने के से ज़्यादा इट्स मोर एंटरटेनमेंट, सो जस्ट टेक इट एज इट इज, एज अ प्योर एंटरटेनमेंट फिल्म। इस फिल्म में धर्मेंद्र जी भी थे, डिंपल कपाड़िया, एक्टिंग की बात करूँ तो किस हद तक एक्टिंग की गई है इस फिल्म में, कॉमेडी कितना था? आई थिंक आई वॉज मोर अस्टाउंड विद द स्टोरी लाइन, मेरे लिए तो स्टोरी लाइन वॉज मोर एंटरटेनिंग, बिकॉज दिस इज वॉट रियली इज हैपनिंग टूडे एंड प्रॉबेबली टुमारो, आई डोंट नो। कई लोग ये भी कह रहे हैं ये जवानी है दीवानी का थोड़ा सा तड़का लगा हुआ है। रियली आई मीन आई डोंट सी दैट फ्लेवर। कृति सेनन को देख, कृति सेनन इज गॉर्जियस, शी इज अ गॉर्जियस लुकिंग वुमन, शी फिट द पार्ट। डायरेक्शन क्या था इस फिल्म का? डायरेक्शन वॉज वेरी एट पार आई वुड से, I mean, I was not overwhelmed with the film, unfortunately, but it's a nice entertainment film. आपको लगता है इसका पार्ट 2 जल्दी आने वाला है? मुझे नहीं लगता है, I don't think so. लास्ट में जानवी कपूर जी की भी दर्शन होते हैं? Oh yes, but that's like a nice closure, because ये फिल्म के लिए क्लोजर बहुत ज़रूरी था, तो I think that's what they got. Okay? कितने पॉइंट्स देना चाहेंगे? I'd say 3. आजकल के ज़माने की मूवी। कॉमेडी की बात करो, इसमें कितना कॉमेडी का तड़का था? कॉमेडी तो पूरी ही थी, आई सेड 80-90% कॉमेडी ही थी। डायरेक्शन, म्यूजिक, बीजीएम वगैरह आपको कैसा? थिंक इज सो गुड, शाहिद कपूर इज सो गुड, डांसर सो वेल, इवन कीर्ति सेनन आल्सो, शी वाज आल्सो। एक्टिंग की मैं बात करूँ मैम, तो एक्टिंग कैसी थी स्टार कास्ट की, धर्मेंद्र जी की, डिंपल कपाड़िया? एवरीबॉडी, डिंपल कपाड़िया तो है ही पुरानी एक्ट्रेस मंजी हुई। आपको लगता है इसका पार्ट 2 आएगा? आएगा आएगा आएगा, ये आना चाहिए आजकल की जनरेशन के लिए, बहुत अच्छी है। कितने स्टार देंगे? आउट ऑफ 5, 4। एंड थैंक यू मैम। मुझे तो मज़ा आया, मतलब एंटरटेनिंग फिल्म है, यानी दिमाग साइड में रख दो और पिक्चर देखो। लोग बहुत बोल रहे लॉजिकल नहीं है कुछ भी, क्या दिखा दिया है, तो आपको कहीं ऐसा लगा? क्या है ना, देखो अभी AI सबको नहीं समझ में आता है जैसे, और थोड़ा सा पब्लिक इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है, खासतौर पर मीडिया, लेकिन अगर आम पब्लिक की बात करेंगे ना तो उनको ये ऐसे एंटरटेनिंग फिल्म अच्छी लगेगी, स्पेशली जो थोड़ा जिनको मनोरंजन चाहिए तो उनको अच्छी लगेगी। अभी जैसे मैंने वो पिक्चर इस हिसाब से देखी कि मुझे इंजॉय करना है, तो मेरे को अच्छी लगी ऐसा।
अभी हम लगे लॉजिक निकालेंगे, अरे ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसे कैसे हो सकते हैं, तो फिर पिक्चर बोरिंग लगेगी, ऐसा होता है। अगर एक्टिंग की बात करूँ तो कीर्ति सेनन ने बहुत ही अच्छी रॉबर्ट की एक्टिंग की है, तो उनकी मेहनत भी है, तो वो दिखी मेहनत, मतलब कीर्ति सेनन की मेहनत हर पिक्चर में दिखती है। शाहिद कपूर अच्छे एक्टर हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, तो वो सब कुछ दिखा अच्छे से। ये भी कह रहे कबीर सिंह वाली वाइब आ रही थी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कबीर सिंह में तो वो एकदम सड़ू था और इसमें तो मस्ती कर रहा है, मजाक वजाक किया, डांस किया है, वो जरा भी वैसी वाइब, उल्टा इमोशनल एक्टिंग, इश्क विश्क बोल सकते हो आप। म्यूजिक की बात करूँ तो मैम म्यूजिक इतना अच्छा लगा आपको, कृति का डांस धक धक धड़के जिया? वो तो सच्ची में थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए था, धक धक वाला सॉन्ग है ना, वो थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए था, बहुत अच्छा कर रही थी कृति। अब माधुरी देखती तो खुश हो जाती, माधुरी दीक्षित मतलब इतना अच्छा उसने, मुझे पहली बार किसी हीरोइन पे वो डांस मुझे अच्छा लगा, नहीं तो सबने उसके गानों पे डांस किया है, माधुरी के गानों पे, लेकिन कीर्ति सेनन ने जो किया है ना, धक धक करने लगा, मज़ा आ गया मुझे देख के सच्ची में। आजकल के यूथ को ये फिल्म देखनी चाहिए एंटरटेनमेंट पर्पस से? हाँ हाँ क्यों नहीं, बहुत मतलब देखो डायलॉग्स वायलॉग्स कॉमेडी है, पिक्चर कॉमेडी है और कॉमेडी हर जगह अच्छी लगती है। मतलब अभी ये थोड़ा हटके है लेकिन बिग बॉस में वो समर्थ था, उसने सिर्फ कॉमेडी करके यहाँ तक मतलब एंड तक पहुँच गया, तो बहुत ज़रूरी है कि लोगों को हंसना है आज के टाइम में, थोड़ा इनलॉजिकल जाता है थोड़ा पिक्चर बीच में, लगता है कि मतलब रॉबर्ट ये सब नहीं कर सकता ऐसे, लेकिन वही मैंने बोला दिमाग थोड़ा साइड में रखो और पिक्चर देखो तो पिक्चर मज़ेदार लगेगी। ऐसा आपकी तरफ से कितने स्टार दिए जाएंगे इस फिल्म को? दूंगी 3.5। कैसी लगी मैम आपको ये मूवी? फिल्म अच्छी मूवी है, एवरेज मूवी कहूँगी, लेकिन एंटरटेनमेंट साइड एंटरटेनमेंट वाले फैक्टर के हिसाब से कहूँगी काफ़ी एंटरटेनिंग है फिल्म। और इस साल की शुरुआत जो है वो हुई है फाइटर के बाद, ऐसी फिल्म जो फैमिली एंटरटेनमेंट क्लेम कर रही है, तो मैं कहूँगी लॉजिक को अगर साइड में रख कर इस फिल्म के को एंटरटेनमेंट वाले साइड से देखा जाए तो मूवी एंटरटेनिंग डेफिनेटली है और अच्छी है। केमिस्ट्री की बात करो तो शाहिद और जो कृति जी हैं वो पहली बार लोगों दोनों ऑन स्क्रीन इतना धमाल मचा रहे हैं, तो कैसी लगी उनकी केमिस्ट्री? आप केमिस्ट्री दोनों की ही अच्छी है। एक्टिंग वाइज अगर मैं बात करूँ तो कृति सेनन ने अपना एक्टिंग बहुत अच्छे तरीके से निभाया है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड उन्होंने वो जो रोबोट का कैरेक्टर पकड़ के रखा है, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि यू नो कृति अपने कैरेक्टर से निकल कर एक ह्यूमन प्ले कर रही हैं, उन्होंने स्टार्ट से लेकर एंड तक के अपने कैरेक्टर को बखूबी पकड़ के रखा है। और शाहिद कपूर की अगर मैं बात करूँ तो मुझे कहीं ना कहीं शाहिद कपूर का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत सिमिलर लगा कबीर सिंह से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी कबीर सिंह के बाद में उनको जब हम जब से मतलब बड़े पर्दे पर परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं जब जब, तो उनकी वो एक झलक कबीर सिंह वाली आ ही रही है, तो वैसा ही मुझे इस फिल्म में भी लगा, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कबीर सिंह वाले अवतार में इस फिल्म में भी शाहिद नज़र आए हैं, लेकिन उनका कैरेक्टर है ह्यूमन साइड से शाहिद ने भी बखूबी रोल प्ले किया है एंड रोबोटिक साइड से कृति ने भी बखूबी रोल प्ले। मैम अगर फिल्म के गानों की बात करूँ तो म्यूज़िक मतलब ऑडियंस के दिलों पर छू रही है, मुझे ऐसा लगता है लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, तो आपको म्यूज़िक कितना अच्छा लगा? कृति का डांस जो उन्होंने किया, इस फिल्म का बेस्ट पार्ट ही मैं कहूँगी म्यूज़िक है, क्योंकि सभी गाने इस फिल्म के बहुत अच्छे हैं और स्पेसिफिकली मैं कृति का एक वो धक धक वाला सेगमेंट को यू नो प्रेस करना चाहूँगी, क्योंकि वो धक धक वाला डांस जो उन्होंने किया है वो इतनी अच्छी तरीके से किया है, इतनी ब्यूटीफुली किया है उन्होंने। बाकी दूसरे गानों में भी उन्होंने डांस बहुत अच्छे किया है, आई गेस जब से हमने उन्हें वो ठुमकेश्वरी में देखा है उसके बाद से आई डोंट थिंक सो किसी ने भी कृति के डांस से नफरत की हो या फिर उनको नापसंद किया हो, कृति के उस गाने के बाद से सभी उनके गाने को या उनके डांस को पसंद कर रहे हैं, और ठीक इसी इस मूवी में भी देखने को मिला है उनके जितने भी गाने हैं सभी में उन्होंने बेहतरीन डांस किया है। इस फिल्म को कितने स्टार देना चाहेंगे, कितने मिलेंगे आपकी तरफ से? मूवी को एंटरटेनमेंट साइड से अगर देखा जाए तो ये मूवी को मैं 5 में से 3 स्टार देना चाहूँगी, थोड़ी बहुत कमी मुझे महसूस हुई, एक तो स्टोरी लाइन को लेकर जैसे मतलब रिलेशनशिप को इस हद तक दिखाना रोबोट के साथ में वो मुझे थोड़ा इलॉजिकल लगा। सर कैसी लगी फिल्म आपको? फिल्म देखिए जिस तरीके से इस फिल्म का टाइटल है बड़ा तेरी बातों में धड़ उलझा जिया ऐसा कुछ, तो फिल्म देखने के बाद थोड़े से लोग उलझ जाएंगे क्योंकि इस फिल्म का जो मुद्दा है रोबोट और ह्यूमन की लव स्टोरी के बारे में बताया गया है, ये हमने अक्सर 2-3 फिल्मों में देखा जैसे कि रोबोट या फिर 2.0 या फिर टर्मिनेटर जैसे में फिल्मों में हमने रोबोट्स की ज़्यादा करके काफ़ी सारी जानकारी वाली चीज़ें देखी है, बट इसमें मेरे को कुछ नया लगा नहीं क्योंकि रोबोट्स में हम
ज़्यादातर देखते हैं कि अगर ह्यूमन और रोबोट्स में अगर प्यार होता है तो उसका एक अच्छा उपयोग क्या होता है और दुरुपयोग क्या होता है, ये दोनों चीज़ों को बताने की कोशिश इस फिल्म में की गई है। एक आज की जो जेंजी इरा को दिमाग में रख के अच्छी तरीके से लव स्टोरी बनाई गई है। मेरे ख्याल से और अच्छी हो सकती थी, बट कोई बात नहीं, शायद नेक्स्ट पार्ट में इसके बताएं। इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यूनिक है, लोगों को थोड़ा सा पसंद आ सकता है। शायद और कृति के जो केमिस्ट्री है, फर्स्ट टाइम दोनों साथ में काम कर रहे हैं, अच्छा खासा काम किया है। कृति वॉज मच बेटर देन शायद, जैसे कि मेरे को ऐसा लगता है कि कृति की पिछली फिल्में जितनी भी सुपर फ्लॉप रह चुकी है, मेरे ख्याल से ये फिल्म उनकी हिट साबित हो सकती है। उनके परफॉर्मेंस को लेकर, जिस तरीके से रोबोट एक्ट करती है, रोबोट्स का जैसा काम होता है, मेरे ख्याल से कृति ने अच्छा करके दिखाया है। दिनेश विजन का जो विजन है इस फिल्म के लिए, मेरे ख्याल से सही पिक्चर के ऊपर उन्होंने पैसा लगाया। और जो न्यूली डायरेक्टर है वो भी डेब्यू कर रहे हैं मैंने सुना, तो उन्होंने भी अच्छे तरीके से इस फिल्म को यूज़ किया है, इस फिल्म को एग्जीक्यूट किया है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऑडियंस इसकी नर्व्स पकड़ेंगी जाते जाते। इसके गाने भी अच्छे खासे ट्रेंडिंग है, स्पेशली अखिया गुलाब मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं आज भी वो स्टेप्स याद कर रहा हूँ ट्यूटोरियल्स देख देख के। शायद मुझे होपफुली आने वाले 2-3 हफ्ते में मेरे को स्टेप्स आ जाए, बट शायद वॉज टू ग्रेट। जाते थे स्टार्टिंग में रेटिंग्स में इसके लिए 3-3.5 देना चाहूँगा। ना कितना बज़ फैला पाएगी? बज आई डोंट नो अबाउट दी ऑडियंसेस, पर चवनी छाप ऑडियंसेस जो है वो पसंद करेगी बिकॉज द काइंड ऑफ स्क्रीन पे, एंड आई डिडंट क्वाइट लाइक द फिल्म एट ऑल। बिकॉज आपको क्यों नहीं पसंद आई, कोई खास वजह? नो, बिकॉज आई हैव सीन, मैंने वर्ल्ड सिनेमा देखा हुआ है, बहुत सारे रोबोट्स के ऊपर बहुत सारे फिल्म बने हुए हैं, एंड दे लुक एंड दे आर ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस फॉर आई मीन कम्प्लीटली। तो इस फिल्म को देखने के बाद, आई मीन यू आर अ रोबोटिक्स इंजीनियर एंड हाउ कैन यू बी स्मिटन बाय अ रोबोट, यू नो इट फॉर अ फैक्ट दैट इट्स अ रोबोट मशीन है, हाउ कैन यू बी स्मिटन बाय अ रोबोट? फॉर इंस्टेंस, आई एम अ जर्नलिस्ट, आई कैन नॉट बी स्मिटन बाय एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, इट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब। आई मीन द स्क्रीन प्ले इटसेल्फ इज फ्लॉड। कहीं ना कहीं ये जवानी है दीवानी की वाइब ला रही है इंटरवल? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी जवानी दीवानी का कोई वाइब नहीं है स्क्रीन, मतलब जिस तरह से पिक्चराइजेशन है स्क्रीन पे, इट्स वेरी कॉमन, वही सेम स्टूपिड पंजाबी फैमिली और फैमिली के साथ जो कुछ भी हो रहा है फैमिली, अरे शादी 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 सब कुछ, सो इट्स रिडिकुलस। स्पेशली आज ओटीटी के टाइम पे जिस तरह का कॉन्टेंट ओटीटी पे आ रहा है, यू कैन नॉट इक्वेट द काइंड ऑफ सिनेमा इज बीइंग मेड एंड द ओटीटी कॉन्टेंट। आई वुड कम्प्लीटली बी बायस्ड टुवर्ड्स ओटीटी कॉन्टेंट बिकॉज द इंटेलिजेंस इन इट। फिल्म में धर्मेंद्र जी ने भी बहुत अच्छा काम किया, एक्टिंग की मानू तो बहुत अच्छा एक्टिंग किया गया है। शाहिद और कृति ने भी, कृति लुक ब्यूटीफुल इन एवरी फ्रेम, शी लुक वेरी स्वीट एंड ब्यूटीफुल एक्चुअली, प्रीटी रैविशिंग इन एवरी फ्रेम। शाहिद लुक गुड एज वेल, एंड लुक्स के मामले में बहुत ये किया है। आई डोंट थिंक द फिल्म रियली मेड एनी इम्पैक्ट ऑन मी। म्यूजिक की बात करूँ, BGM की बात करूँ, कैसा रहा डायरेक्टर, डायरेक्शन कैसा था फिल्म का? रटपटिया, ओके, मेरे हिसाब से इट्स गोइंग टू बी 2 out of 5। लेकिन मैं बात करूँ इस फिल्म में पूरी मेहनत की, जिस मेहनत से बनाया गया है, तो क्या ये यूथ को देखनी चाहिए? ये मैं कैसे बताऊँ, आई कैन नॉट बी अ स्पोक्स पर्सन फॉर द यूथ, आई एम अ यूथ माई सेल्फ, आई वुड बी एब्सोल्युटली डिसडेनफुल टुवर्ड्स सच फिल्म्स। थोड़ा बहुत दिमाग और थोड़ा बहुत मतलब एंटरटेनमेंट इज डेफिनेटली नेसेसरी, बट एट द सेम टाइम व्हेन यू टॉकिंग अबाउट एंटरटेनमेंट विद अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेन्स सो दैट यू गेट समथिंग फ्रॉम द कंटेंट दैट यू आर वॉचिंग, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ फिल्म दैट वुड डू दैट। डायरेक्शन की बात करूं कि फ्रेश एंड कृति इज लुकिंग गॉर्जियस। कहीं ना कहीं ये जवानी है दीवानी की वाइब दिला रही थी? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, इट्स अ टोटली फ्रेश कॉन्सेप्ट एंड वेरी न्यू, लाइक जेन ज़ी, न्यू जनरेशन, लाइक दिस कुड हैपन इन द कमिंग फ्यूचर। पहले भी रोबोट जैसी फिल्में बन चुकी हैं, तो इस बार कुछ अलग, कुछ तड़कता भड़कता। दिस वॉज रिगार्डिंग द इंडियन फैमिलीज एंड ट्रेडिशंस, एंड लाइक साइंस कैन नॉट फिट इन टू ह्यूमैनिटी, there's a limit to it. कॉमेडी की बात करो तो कॉमेडी कैसा था? वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी फ्रेश। महेंद्र जी ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की, डिंपल ही इज आइकॉनिक। क्या मैसेज दे रही है फिल्म, आपको क्या लगता है? इट्स साइंस शुड बी फॉर अदर पर्पसेस बट साइंस कैन नॉट टेक ओवर ह्यूमैनिटी। आपको लगता है कि पार्ट 2 इसका आएगा जल्दी? यस, आई एम श्योर। कैसा होने वाला है, कुछ प्रेडिक्शन? इट विल एनलाइटन द पीपल मोर अबाउट हाउ रोबोटिक्स कैन बी यूज्ड इन द मॉडर्न डे, but there's a limit to it. Music की बात करूँ, music कैसा लगा? Excellent. कितने points देना चाहेंगे? Out of 5. 8.5 out of 5. 4.5. Thank you, ma'am.